फ्रेंड्स, यह हमारा मैप का तीसरा वीडियो है और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि भारत के सभी राज्य कहाँ कहाँ आते हैं और उनकी राजधानियाँ। ठीक ना, तो दूसरे वीडियो में, पहले और दूसरे वीडियो में मैंने बताया है कि भारत के पड़ोसी देश कहाँ पे हैं और किस स्थान पे उनकी राजधानियाँ कहाँ पे हैं और कब कब अलग हुए हैं। ठीक ना, और उससे पहले बताया था कि मैप कैसे देखा जाता है, उनके सिंबल क्या होते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केवल राज्यों के बारे में, जो कि अभी 28 हो गए हैं, टोटल 28 राज्य हैं भारत में। ठीक ना, तो वही राज्यों की स्थिति दिखाने जा रहा हूँ और उनकी जो कैपिटल है, राजधानी, उनको मैं बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हम ऊपर से ही लेते हैं। देखिए मैप में ये जो पोजीशन है, ये उत्तर का भाग है, ये उत्तर हो गया हमारा, यानी कि ये जो भाग है ये उत्तर, यहाँ से जो है ये यहाँ से उत्तर माना जाता है, राजस्थान से लेकर के उत्तर प्रदेश जो है यह उत्तरी भाग माना जाता है। ठीक, ये उत्तरी, और इधर का जो है इधर साउथ का एरिया माना जाता है। इधर देखिए, यहाँ से ये जो है कर्नाटक से लेकर के तेलंगाना, यहाँ तक का एरिया साउथ का एरिया माना जाता है। ठीक, यानी कि दक्षिण भारत। ठीक, इधर दक्षिण भारत कहा जाता है, इधर उत्तर भारत, और इधर पश्चिम भारत कहा जाता है गुजरात को। ठीक, सबसे पश्चिमी गुजरात में है और ये सबसे पूर्वी राज्य हमारा हो गया अरुणाचल प्रदेश। सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, इसको भी मैं बता दूँ, सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है। ठीक ना, और सबसे पश्चिमी गुजरात है, सबसे उत्तरी राज्य जो है अब हो गया हिमाचल प्रदेश, पहले था जम्मू कश्मीर। ठीक ना, क्योंकि अब हिमाचल प्रदेश आपको मालूम ही होगा कि केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। और इधर सबसे दक्षिणी राज्य है, आपको मालूम ही होगा, तमिलनाडु, और नहीं मालूम है तो देख लीजिए। ठीक, ये चीज़ें हो गई। अब देखिए, हम बात करते हैं राज्यों की राजधानियों के बारे में। तो जैसा कि देखिए, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश यहाँ पे, हिमाचल प्रदेश, और इसकी राजधानी है शिमला। ये मेरा क्लियर आ गया, हाँ, ये हिमाचल प्रदेश, इसकी राजधानी है शिमला। ठीक, यहाँ पे उसके बाद पंजाब, पंजाब के यहाँ पे पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़, और हरियाणा, यहाँ पे हरियाणा की भी राजधानी चंडीगढ़ है, और चंडीगढ़ एक खुद केंद्र शासित प्रदेश है और इसकी भी राजधानी चंडीगढ़ है। ठीक, तो चंडीगढ़ तीन जगहों का स्थान है, इसलिए काफ़ी बड़ा सिटी है, काफ़ी बड़ा एरिया है। ये देखिए, यहाँ पे आ जाता है, बता दूँ कि पहले पंजाब और हरियाणा, और जो दोनों थे ना, दोनों एक ही थे, पंजाब और हरियाणा। उसके बाद बता दूं उत्तराखंड, उत्तराखंड जो है उत्तर प्रदेश से ही अलग हुआ था 2001 में। ठीक ना, ये भी मैं बता दूं। और देखिए, ये उत्तराखंड है, यहाँ पे पहले उत्तर प्रदेश हुआ करता था 2001 से पहले, फिर यह जब अलग हुआ उत्तर प्रदेश से, तब इसका नाम उत्तरांचल बना, फिर बाद में उत्तराखंड। तो उत्तराखंड का देहरादून बाद में वो सब बात कर लेंगे, ठीक ना, उसके लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे। उत्तराखंड का देहरादून यहाँ पे है। उसके बाद लखनऊ, जो यूपी की राजधानी है, यानी कि उत्तर प्रदेश। और उसके बाद हम इधर आ जाते हैं बिहार, तो बिहार की राजधानी आपको मालूम ही होगा कि पटना। ठीक ना, पटना काफ़ी फेमस एरिया है, तो यहाँ पे पटना। उसके बाद झारखंड, झारखंड को मालूम ही होगा, रांची। ठीक ना, काफ़ी धोनी और सुशांत सिंह राजपूत वगैरह सब बिहार झारखंड के ही हैं। ठीक ना, उसके बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, जो हमारी पुरानी राजधानी थी, भारत का पुरानी राजधानी 1912 से पहले। ठीक ना, उसके बाद हम बात कर लेते हैं इधर, ये हमारा इधर आ जाता है सिक्किम, सिक्किम की राजधानी है गैंगटॉक, ये भी एक राज्य है। ठीक ना, अब देखिए अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है, आपको मालूम ही होगा, ईटानगर। ये देखिए अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। उसके बाद यहाँ पे है असम, असम की राजधानी आपको दिसपुर, और इसका सबसे बड़ा शहर जो है गुवाहाटी है। ठीक ना, असम का सबसे बड़ा शहर गुवाहाटी। मेघालय, मेघालय की राजधानी शिलांग है, और यहाँ पे है नागालैंड, नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्लियरली। उसके बाद हम बात करने वाले हैं मणिपुर, मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। मिजोरम की राजधानी यहाँ पे है आइजोल, और त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, जो कि इस राज्य से जाने के लिए लोग काफ़ी डरे रहते हैं, सामे रहते हैं, तो डरने की बात नहीं है। आइए हम नेक्स्ट बात करते हैं इधर। तो इधर हमारा थोड़ा सा गाड़ी के साउंड भी आ सकता है, इसके लिए मैं सॉरी मांग लेता हूँ पहले से आपको। ये देखिए राजस्थान, राजस्थान की राजधानी है जयपुर, यहाँ पर राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है झारखंड का, और सॉरी झारखंड का बोल रहा हूँ, पूरे भारत का। ठीक ना, अब देखिए यहाँ पे मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, और यहाँ पे छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। ये देखिए छत्तीसगढ़, रायपुर, ये बता दूं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ना पहले 2001 से पहले दोनों एक हुआ करते थे, और झारखंड और बिहार भी 2001 से पहले एक साथ राज्य हुआ करते थे,
तो 2001 में ना दो तीन राज्यों का विभाजन हो गया था। देखिए यहाँ पे हमारा गुजरात, गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गांधीनगर किस लिए दिया गया नाम वो तो आप जानते ही होंगे अच्छे से। अब देखिए यहाँ पे महाराष्ट्र है यानी कि मुंबई, काफ़ी फेमस एरिया, भारत की आर्थिक राजधानी कहा जाता है मुंबई को। देखिए यहाँ पे समुद्र के किनारे। अब देखिए महाराष्ट्र के बाद हमारा आ जाता है यहाँ पे तेलंगाना, जो कि 2014 में अलग हुआ था आंध्र प्रदेश से। और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद और आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती होने वाली है। अभी फिलहाल ये हैदराबाद से काम चला रहा है, ठीक है ना। प्रस्तावित राजधानी इसका कहाँ है, अमरावती। और इधर हम बात कर लेते हैं ओडिशा, जो कि ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर, ये भी समुद्र के किनारे। ठीक, तो अब हम बात करने वाले हैं इधर तमिलनाडु, तमिलनाडु जो कि यहाँ इसकी राजधानी है चेन्नई। ये देखिए यहाँ पे चेन्नई, चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म भी बनी थी यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे केरल, केरल की राजधानी कोलकाता, सॉरी केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, जो कि भारत का सबसे साक्षर यानी कि यहाँ पे लिटरेसी रेट सबसे हाई है माना जाता है केरल। उसके बाद केरल के बाद आता है कर्नाटक, यानी कि आपको मालूम ही होगा कर्नाटक की राजधानी है यहाँ पे बंगलुरु। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं गोवा, जो कि भारत का सबसे छोटा राज्य है। यहाँ पे है गोवा, मैप में मैं आपको क्लियरली दिखा दूँ मैप में गोवा। ठीक, और गोवा की राजधानी है पणजी। गोवा एकदम फेमस जगह है घूमने के लिए, सच में बड़ा मज़ा आएगा यहाँ पे। वैसे मैं तो गया नहीं हूँ, लेकिन एक अनुमान के आधार पर और इनके जो जितने भी चीज़ें मैंने पढ़ी हैं उसके अनुसार मैं बता दूं कि यह काफ़ी फेमस और काफ़ी मज़ा आ जाएगा यहाँ पे घूमने का मौका मिले तो छोड़िएगा नहीं। तो सारे राज्यों का मैं लगभग बता ही दिया। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताऊंगा कि कहाँ पे है केंद्र शासित प्रदेश। और एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम पुद्दुचेरी है, जो कि तीन राज्यों में फैला हुआ है, तीन राज्यों में पुद्दुचेरी पाया जाता है, ठीक ना। तो उन्हें भी मैं दिखाऊंगा। तो फिर मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, क्योंकि जान है तो जहान है दोस्त।